बात कर रहे थे सेक्शन 2 क्लॉज 56, जहाँ इंडिया की डेफिनेशन की बात करी थी हमने, जहाँ पे टेरिटोरियल ऑफ इंडिया की एम्बिट को हमने देखा कि इंडिया का कितना पार्ट जो है जीएसटी के लिए, कितने पार्ट को हम इंडिया मानेंगे उसको हम एक चार्ट फॉर्म में समझे। तो एक लैंड जैसे इंडिया का लास्ट पोर्शन में लैंड आएगा, उसके बाद जो सी जो है वहां जहाँ से शुरू हो जाएगी, वहां पे जो है इंडिया का दायरा कहाँ तक रहेगा? क्या वो इंडिया का दायरा यहीं तक रहेगा जहां पे लैंड खत्म हो रही है? इसका इसके लिए यहाँ पे क्लैरिफाई किया गया कि 12 नोटिकल माइल, 12 नोटिकल माइल फ्रॉम द बेस लाइन। बेस लाइन हमारी यहाँ हो गई, बेस लाइन से लेकर 12 नोटिकल माइल्स तक अगर हम बात करें, तो ये 12 नोटिकल माइल्स के अलावा, इस 12 नोटिकल माइल्स के अलावा यहाँ पे एक इसके बाद के एरिया को कहते हैं ईईजेड, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जो कि बेस लाइन से 200 नोटिकल माइल्स फ्रॉम द बेस लाइन होती है। बेस लाइन से 200 नोटिकल माइल्स की अगर हम बात करें, तो वो हमारा बनता है कौन सा, कहाँ तक बनता है? वो बनता है, उसको कहते हैं ईईजेड, ईईजेड कहते हैं। और इस एरिया को अगर हम बात करें, तो ये हमारा टेरिटोरियल सी, जो हमारा ये 12 नोटिकल माइल्स का होता है, ठीक है, तो इसको 12 नोटिकल माइल्स, और यहाँ पे 200 नोटिकल माइल। तो हमारा जो दायरा बढ़ाया गया है इंडिया का जीएसटी लेवी करने के लिए, वो हमारा दायरा जो है 200 नॉटिकल माइल्स तक जो है इंडिया कहा गया है। 200 नॉटिकल माइल्स यहाँ तक जो है इंडिया कहा गया है। इस इंडिया का दायरा यहाँ तक है। इस दायरे के अंदर अगर हम बात करें, तो इस दायरे के अंदर कहीं पे भी कोई भी सप्लाई होगी, चाहे कोई एयर में सप्लाई होगी, चाहे कोई लैंड के अंदर सप्लाई होगी, सारी की सारी सप्लाई इंडिया में मानी जाएगी। वो किस तरीके से होगी? मान लो यहाँ पे कोई रिलायंस ने अपना पेट्रोलियम प्यूरिफाइंग का जो है प्लांट लगाया, इस तरीके से लगते हैं ना बीच में जो है प्लांट वगैरह लगते हैं, तो ऐसे केसेस में 200 नॉटिकल माइल्स तक जो है प्लांट होगा, तो वो इंडिया के दायरे में ही आ जाएगा, राइट। और कोई हवा में कोई सप्लाई हुई, हवा में सप्लाई कैसे होगी? हवा में सप्लाई किस तरीके से होगी? कोई प्लेन जा रहा है इंडिया, यहाँ से प्लेन जा रहा है, ठीक है, बाहर जा रहा है, ठीक है। अब वो प्लेन कहाँ पे है? वो 200 नॉटिकल माइल्स तक इंडिया में है, वो उसके बाद वो बाहर जा रहा है, तो यहाँ पे हम उसको सब प्लेन में जब वो जा रहा है, तो वहां पे उसको फूड भी सर्व होगा, वहां पे वो जो है फैसिलिटीज अवेल कर सकता है। तो ऐसे केसेस में, चाहे वो अंडर वाटर हो सप्लाई, अंडर वाटर कोई सप्लाई हो रही हो, चाहे वो अबव द सी लेवल हो रही हो, वही ये यहाँ पे चीजें लिखी हुई है। अगर एयर स्पेस अबव इट्स टेरिटरी हो, चाहे वो टेरिटोरियल वाटर के अंदर हो, वो सारी की सारी जो है 200 नॉटिकल माइल्स तक की जो एरिया है, वो सारा का सारा माना जाता है इंडिया का पार्ट माना जाता है, ठीक है, ये इंडिया की लिमिट है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन आईएसडी के बारे में, सेक्शन 2 क्लॉज 61 में बताया गया है। आईएसडी क्या है? आईएसडी मींस एन ऑफिस ऑफ सप्लायर ऑफ गुड्स हु रिसीव टैक्स इनवॉइस इशू अंडर सेक्शन 31। बहुत से इस तरीके से काम करते हैं, जहाँ पे मान लो एयरटेल का एक कॉल सेंटर है, जहाँ पे कोई प्रॉब्लम आई लोग कॉल करेंगे, वहां पे कॉल पिक करेंगे और वो जो है उसको रेमेडी बताएंगे। तो वहां पे क्या है, उस कॉल सेंटर में कोई रेवेन्यू तो जनरेट हो नहीं रहा, वहां से सिर्फ एक्सपेंसिव ईयर हो रहे हैं। वहां से एयरटेल ने अपना कोई कॉल सेंटर खोल दिया या रिपेयरिंग सेंटर खोल दिया मान लो, तो कोई वहां पे सिर्फ एक्सपेंस बेयर हो रहे हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है, वहाँ पे रेंटल खर्चा है, वहाँ पे हर तरीके का उस कॉल सेंटर का खर्चा है, लेकिन वहाँ पे कोई कस्टमर बेस नहीं है। मान लो वहाँ पे कोई कस्टमर बेस नहीं है, वहाँ पे सिर्फ खर्चा खर्चा हो रहा है, तो ऐसे केसेस में क्या होगा, उस खर्चे पे जो है इस तरीके से वहाँ पे उनको एज अ आईएसडी रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ती है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, उन खर्चों को मीट आउट करने के लिए जो है वहाँ पे अपना जो है आईटीसी का क्रेडिट ट्रांसफर करने के लिए, इनपुट सर्विसेज के केस में लगा लो एक हेड ऑफिस है, हेड ऑफिस, अब एक ऑडिट हो रही है, अब जब ऑडिट हो रही है तो वो एग्रीगेट टर्नओवर में, वो ब्रांच लेवल पे हो रही है, वो हेड ऑफिस पे हो रही है। अब जो उसकी 10 यूनिट है उस पे वो उसका उस जो ऑडिट करा रहा है, उस ऑडिट का जो खर्चा है, उस ऑडिट का जो खर्चा है उस पे जीएसटी जो लगेगा उसका वो आईटीसी लेगा। अब वो हेड ऑफिस पे उसको बिल रेज करेगा, अब हेड ऑफिस को क्रेडिट मिल गया, अब हेड ऑफिस को उस क्रेडिट का, उसके लिए कोई आउटपुट सर्वर्स तो है नहीं, आउटपुट सप्लाई कहाँ पे है?
मान लो कोई कोई कंपनी है, उसका हेड ऑफिस है। अब हेड ऑफिस में बैठ के उसने एक हेड ऑफिस बनाया उस कंपनी ने, और उसकी 10 फैक्ट्रियां। अब उस 10 फैक्ट्रियों से तो सप्लाई हो रही है, उस 10 फैक्ट्रियों से सप्लाई हो रही है, लेकिन हेड ऑफिस में जहाँ उसके मेजर खर्चे हो रहे हैं ऑडिट के या फिर कोई भी और खर्चे लगा लो, जहां से सप्लाई नहीं हो रही है, जहां से एक्चुअल सप्लाई नहीं हो रही है, लेकिन वहां पे सिर्फ खर्चे अरेंज हो रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ फैक्ट्रीज, ऑन बिहाफ ऑफ फैक्ट्रीज के जो वहां पे खर्चे अलाउड हो रहे हैं, तो वहां पे जो बिल आएगा हेड ऑफिस के पास, मान लो ऑडिट का हमने एग्जाम्पल लिया, वहां ऑडिट का जो बिल आया उस पर जो जीएसटी लगा होगा उसका क्रेडिट मिल जाएगा। तो अब इस क्रेडिट का, अब उसकी तो कोई हेड ऑफिस की तो कोई आउटवर्ड सप्लाई है नहीं, अब उसका क्रेडिट का वो क्या करेगी, वो जो फैक्ट्रीज की जो आउटवर्ड सप्लाई है वहां पे क्रेडिट फ्लो कर देगी, ताकि वो जो अपनी सप्लाई, वो अपनी जो आउटवर्ड सप्लाई कर रहे हैं वहां पे वो अपना आईटीसी क्लेम कर सके। समझ आ रही है? बीच में हेड ऑफिस है, मान लो मेरे चारों तरफ जो है 10 10 फैक्ट्रीज है। अब मैं एज अ हेड ऑफिस यहाँ पे कोई सप्लाई तो कर नहीं रहा, यहाँ पे मेरे पास बिल आया जो है 1 लाख रुपए का, मैंने 1 लाख प्लस जीएसटी 18,000, 1,18,000 पे कर दिया, 18,000 का क्रेडिट मेरे पास पड़ा है। तो मैंने उस 18,000 का तो कुछ करना नहीं, मेरी तो आउटवर्ड सप्लाई नहीं है, आउटवर्ड सप्लाई मेरी फैक्ट्रीज की है। अब फैक्ट्रीज जो मेरी जितनी जितनी टर्नओवर उनकी रेज हो रही है, उतनी उतनी उस हिसाब से मैं उसको अपना 18,000 का आईटीसी जो है उनको एलोकेट कर दूंगा। तो मैं एज अ आईएसडी बन जाऊंगा, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। मेरा काम क्या होगा, जो मेरे पास इनपुट है, जो इनपुट इनपुट किस पे मिलेगा, इनपुट सर्विस पे, ये सिर्फ सर्विसेज के लिए होता है, जो मेरे को इनपुट सर्विस पे जो मेरे को आईटीसी मिला है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना मेरा काम है। उस जो मेरा 18,000 का आईटीसी है उसको डिस्ट्रीब्यूट मेरे को करना है। तो मेरे को जो रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी जीएसटी की, वो एज अ आईएसडी लेनी पड़ेगी। तो मेरा जो पैन होगा हेड ऑफिस का वो भी सेम होगा, और जो मेरी फैक्ट्रीज अलग अलग शहरों में जो फैक्ट्रीज है वो जो सप्लाई कर रही है वो भी सेम पैन पे होगी। तो वो सेम पैन के अंदर एज अ आईएसडी मैं अपना क्रेडिट, जो मेरे का 18,000 का क्रेडिट पड़ा है, मैं उनको सप्लाई कर सकता हूँ। तो ये यहाँ पे लिखा गया है, आप इस डेफिनेशन को पढ़ते हैं तो इजिली समझ आ जाएगा। मीन्स एन ऑफिस, यहाँ पे जो हमने एग्जाम्पल लिया कि मैं एज अ एचओ हेड ऑफिस यहाँ पे बैठा हूँ, ओ सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच रिसीव टैक्स इनवॉइस इशू अंडर सेक्शन 31। मेरे पास क्या आया, टैक्स इनवॉइस आया, मेरे पास टैक्स इनवॉइस आया 1,000 रुपए का और 1 लाख रुपए का, प्लस 1 लाख के ऊपर क्या लगा, 18,000 रुपए जीएसटी लगा। मेरे पास 1,18,000 रुपए का जो है इनवॉइस आया अंडर सेक्शन 31। ठीक है, जब हम सेक्शन 31 पढ़ेंगे तो वहां पे हम देखेंगे कि टैक्स इनवॉइस के बारे में लिखा हुआ है, तो वहां पे टैक्स इनवॉइस का क्या क्राइटेरिया होता है वहां लिखा हुआ है। तो मेरे पास जो है ये मान लो मेरे को, मेरे पास हेड ऑफिस में, एज अ हेड ऑफिस में मेरे पास जो है इनवॉइस आया, राइट, ये कितने का आ गया, एक ये सीए ने ये इनवॉइस भेज दिया, मान लो सीए ने 1,18,000 का आईएसडी, मैं यहाँ पे एज अ आईएसडी बैठा हूँ, मेरे पास इनवॉइस आ गया। अब मेरे पास 18,000 रुपए का क्रेडिट आ गया, अब मेरे को मेरी कोई आउटवर्ड सप्लाई तो है नहीं, मुझे क्या करना है, ये मान लो मेरी ये 3 फैक्ट्री है, तो मैं ये 3 फैक्ट्रियों में जैसी जैसी टर्नओवर है, जितनी जितनी, मान लो ये 50 लाख की सेल करता है, ये 1 करोड़ की सेल करता है, और ये भी 50 लाख की सेल करता है, तो इनकी जितनी जितनी टर्नओवर है उस हिसाब से इसका जो मेरा आईटीसी है, यहाँ पे मैं यहाँ पे इसको दे दूंगा 9,000 रुपये, इस क्रेडिट इसको दे दूंगा, ठीक है, 4,500 रुपये का क्रेडिट इसको दे दूंगा, 4,500 रुपये का क्रेडिट इसको दे दूंगा। ये तो आगे सप्लाई करेंगे ना, ये तो आगे सप्लाई करेंगे तीनों, तो इनकी तो टैक्स लाइबिलिटी बनेगी, इनकी लाइबिलिटी बनेगी, ये पीछे 4,500 का, 9,000 का और 4,500 का क्रेडिट तीनों के तीनों ले लेंगे। तो इसको जो डिस्ट्रीब्यूट करता है उसको हम कहते हैं आईएसडी। तो यही डेफिनेशन में लिखा है, विच रिसीव टैक्स इनवॉइस टुवर्ड्स रिसीव ऑफ इनपुट सर्विसेज। यहाँ पे जो है सर्विसेज, ये ध्यान रखना है, अगर हमने कोई कैपिटल गुड्स ली है, हमने कोई इनपुट लिया है, उसका आईएसडी ट्रांसफर नहीं कर सकता, दिस इज ओनली फॉर इनपुट सर्विस, सिर्फ सर्विस का जो क्रेडिट है वो ही ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है, क्योंकि बाकी अगर कोई कैपिटल गुड्स है, अगर कोई कैपिटल गुड्स है तो फैक्ट्री अपने आप खुद भी ले सकती है कैपिटल गुड्स, अगर कोई इनपुट है तो इनपुट का तो फैक्ट्री अपने आप ले सकती है, वहां पे अपने आप ले सकती है, लेकिन जो एक आई इनपुट सर्विसेज के लिए, जहाँ पे सर्विसेज का मेजर जो एक्सपेंसेस होता है वो हेड ऑफिस में बुक हो जाता है और वहां पे आउटपुट सर्विस नहीं होती, इसलिए उस क्रेडिट को फ्लो करने के लिए आईएसडी की रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ती है, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। जब हम रजिस्ट्रेशन करते हैं तो वहां पे कैटेगरी आईएसडी की भी आती है, ठीक है। इशूड इन द प्रिस्क्राइब्ड डॉक्यूमेंट फॉर द पर्पस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इसका पर्पस क्या है,
आईएसडी का पर्पस क्या है, फॉर द पर्पस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रेडिट। जो हमारे पास 18,000 का क्रेडिट पड़ा था, चाहे वो सीजीएसटी की फॉर्म में हो, चाहे एसजीएसटी की फॉर्म में हो, चाहे आईजीएसटी की फॉर्म में हो, चाहे यूटीजीएसटी की फॉर्म में हो, सारा का सारा हम क्रेडिट जो है फ्लो कर सकते हैं, लेकिन वो अंडर द सेम पैन होना चाहिए। हमारा जो ये फैक्ट्रीज हैं, इन फैक्ट्रीज का जो पैन है और जो हमारा आईएसडी का पैन है, ये सारे के सारे पैन जो है अंडर द सेम पैन होने चाहिए, तो हम क्रेडिट जो है अपना फ्लो कर सकते हैं, राइट। इस तरीके से जो है क्रेडिट फ्लो हो जाता है आईएसडी के थ्रू। इनपुट टैक्स क्या होता है, इनपुट टैक्स इन रिलेशन टू रजिस्टर्ड पर्सन, सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, इंटीग्रेटेड टैक्स, यूनियन टैक्स, इंक्लूड इंपोर्ट में जो टैक्स लगेगा, इंपोर्ट में जो हम टैक्स पे करेंगे, हमारी लाइबिलिटी बनती है और इंपोर्ट पे भी हम टैक्स पे करते हैं, वो हमारा इनपुट टैक्स बन जाता है, इसका क्रेडिट भी मिल जाता है। इसके अलावा कौन सा होगा, चाहे हम आरसीएम में, जब हम आरसीएम के सेक्शन 9394 पढ़ेंगे तो वहां भी हम देखेंगे कि जहाँ पे हमें जो है उसका अभी हम क्रेडिट ले सकते हैं। तो इनपुट, जब तक वो इनपुट टैक्स नहीं बनेगा तब तक उसका क्रेडिट लेना अलाउड होगा नहीं होगा, वो बात करता है आईटीसी का चैप्टर, लेकिन पहले उसका इनपुट टैक्स होना चाहिए। इनपुट टैक्स के लिए चाहे वो, अगर वो डायरेक्ट जो है टैक्स पे कर रहा है, मतलब उसके बाद बिल आया, उसमें सीजीएसटी, एसजीएसटी लगा, आईजीएसटी लगा, यूटीजीएसटी लगा, वो तो है ही है, वो हमारे पास जो डायरेक्ट बिल आया एज अ रेसिपिएंट, जो मेरे पास बिल आया तो वो तो मेरे लिए क्रेडिट है ही है। उसके अलावा क्या है, क्या क्रेडिट है, जो इंपोर्ट होगा, इंपोर्ट के ऊपर भी मेरे को पे करना पड़ेगा, इंपोर्ट के ऊपर भी आईजीएसटी पे करना पड़ता है, इंपोर्ट के ऊपर आईजीएसटी पे करना पड़ता है, तो वो भी हमारा जो हम आईजीएसटी पे करेंगे वो भी हमारे लिए इनपुट टैक्स हो गया, इसलिए हम उसका क्रेडिट भी हमारे लिए अलाउ होता है। हम आरसीएम में जो हम टैक्स पे करते हैं उसका क्रेडिट भी हमारे लिए अलाउ होता है, इसलिए वो हमारा इनपुट टैक्स बन जाता है। ऐसे ही सेम जो है आईजीएसटी में लिखा हुआ है, आरजीएसटी का सेक्शन 9 और सेक्शन 53, जो 9394 में लिखा हुआ है, एज इट इज आईजीएसटी के सेक्शन 5354 में लिखा हुआ है, आरसीएम में बिल्कुल कॉपी पेस्ट मारा है, तो वहां पे जो हमें क्रेडिट मिलेगा आईजीएसटी का वो भी हमारा इनपुट टैक्स बन जाएगा। और सेम हर एक स्टेट के एसजीएसटी एक्ट में भी सेम लिखा हुआ है, सेक्शन 9 मैंने बात करी थी स्टार्टिंग में कि सीजीएसटी एक्ट मेन होता है, बाकी सब उसको कॉपी पेस्ट मारते हैं, तो एसजीएसटी एक्ट के भी सेम सेक्शन है, सेक्शन 93, सेक्शन 94 जो सीजीएसटी एक्ट में लिखा हुआ है वही हर स्टेट के एसजीएसटी एक्ट में लिखा हुआ है। और अगर हम आईजीएसटी एक्ट जो बनाया है सेंट्रल ने, उसके भी सेक्शन 5 सबसेक्शन 3 और 4 में जो है सेम बात लिखी हुई है, वहां पे भी जो है आरसीएम के केस में जो है लाइबिलिटी बनती है, तो वहां पे भी आईजीएसटी जो है उसका क्रेडिट ले सकते हैं। और लास्ट में यूटीजीएसटी, ये भी इसमें भी सेम वही बात लिखी हुई है, मतलब हमारे पास नॉर्मल जो हमारे पास इनवॉइस आया वो भी हमारे पास इनपुट टैक्स है, जो हमने इंपोर्ट किया उसमें जो हमने आईजीएसटी पे किया वो भी हमारा इनपुट टैक्स है, और आरसीएम में जो हमने पे किया वो भी हमारा इनपुट टैक्स है, और उस इनपुट टैक्स का क्या ले सकते हैं, हम उन सबका इनपुट टैक्स क्रेडिट भी ले सकते हैं। वो बताता है सेक्शन 2 क्लॉज 63 बताता है इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में, वो कहता है क्रेडिट लेना किसका, इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स हमने ऊपर देख लिए, इसका जब हमारे को क्रेडिट लेना, इसका बेनिफिट लेना अलाउ हो जाएगा, उसको हम कहेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी। इसमें कौन सा इंक्लूड नहीं था इनपुट टैक्स में, इनपुट टैक्स में इंक्लूड नहीं है, बट डज नॉट इंक्लूड टैक्स पेड अंडर कंपोजिशन स्कीम। कंपोजिशन स्कीम के अंदर जहाँ पे हमें सेक्शन 10 जब हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि हमें बेनिफिट मिल, एक होता है कि हमें 18%, 12%, 5% जीएसटी देने की जगह हम सिर्फ 1% जीएसटी दे दें, लेकिन ऐसे केस में क्या होता है, हमें आईटीसी नहीं मिलता, आईटीसी नहीं मिलता। एक तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि उसको इनपुट टैक्स ही नहीं मानेंगे, यहाँ पे अभी हम जो पढ़ रहे हैं रेड मार्क, रेड में मार्क्ड है ना, तो वो कह रहा है ये इनपुट टैक्स नहीं है। जब वो इनपुट टैक्स ही नहीं है तो उसका क्रेडिट लेना तो बहुत दूर की बात है, जब वो इनपुट टैक्स ही नहीं है तो उसका क्रेडिट ही नहीं ले सकते। साथ में जब हम इनपुट टैक्स क्रेडिट का सेक्शन 17(5) पढ़ेंगे, वहां पे भी अलग से लिखा हुआ है कि कंपोजिशन के केस में जो टैक्स पेमेंट होगी उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। दो जगह पे इसके लिए रेलिवेंस है कि यहाँ पे भी लिख दिया कि इसको कंपोजिट सप्लाई को इनपुट टैक्स ही नहीं मानेंगे, इसको इनपुट टैक्स ही नहीं मानेंगे तो क्रेडिट ही नहीं मिलेगा, और 17(5) में भी अलग से जब हम 17(5) पढ़ेंगे तो वहां पे भी लिखा हुआ है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट कंपोजिशन के केस में इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं मिलता। उसमें कैसे इनवॉइस बनेगा, 100 रुपए और साथ में 1% जीएसटी, 1 रुपए, 101 का जो है हमारे पास कंपोजिशन का जो है इनवॉइस आ जाएगा, लेकिन एक इसका जो 1 रुपए जो हम पे करेंगे उसका क्रेडिट हमें नहीं मिलेगा। मान लो कोई कंपोजिशन में रजिस्टर्ड है तो वो हमें इस तरीके का इनवॉइस देगा, ठीक है, 1% जीएसटी लगा के हमारे को 101 का देगा,
वो हमें बेसिकली क्या करता है, हमें उसको 100 रुपये ही देने पड़ते हैं। वो 1 रुपये हमें इनवॉइस इस तरीके से नहीं, उसको 100 रुपये का ही हमारे पास उसमें लिख के आएगा कि अंडर द कंपोजिशन स्कीम, वो सारा इसका भी उसमें GST नंबर होगा, सब कुछ होगा। वो हमसे 100 रुपये लेगा, वो 1 रुपये जो है अपनी जेब से जो है गवर्नमेंट को पे करता है। ये जो 1 रुपये जो गवर्नमेंट को पे करता है उसका क्रेडिट हमें अलाउड नहीं होता, वो यहाँ पे भी मना करता है, 17(5) में मना करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो जो हमारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आती है सेक्शन 2 क्लॉज 68 में आती है जॉब वर्क के बारे में। जॉब वर्क क्या होती है? कोई भी ट्रीटमेंट और प्रोसेस जो कि हम थर्ड पार्टी से कराते हैं, जहाँ पे गुड्स किसी और के होते हैं, प्रोसेस कोई और करता है। गुड्स जो है जॉब वर्कर को भेज देते हैं कि इसको आप प्रोसेस कर दो, वो उसमें प्रोसेस करके हमें माल वापस भेज देता है। इसको वो जो प्रोसेस करता है, किसी प्रोसेस को हमने मतलब थर्ड पार्टी से कराया, हम एज अ मैन्युफैक्चरर है, हम खुद उसका प्रोसेस ना करके किसी और से प्रोसेस करा रहे हैं, तो वो प्रोसेसिंग को क्या कहेंगे? जॉब वर्क कहेंगे। तो यही बात यहाँ पे लिखी है, ट्रीटमेंट और प्रोसेस ऑन गुड्स बिलोंगिंग टू अदर रजिस्टर्ड पर्सन, मतलब प्रिंसिपल पर्सन के रजिस्टर्ड होगा, जिसके वो गुड्स हैं वो किसी और के होंगे, जॉब वर्कर के पास जाएंगे और वो उसको प्रोसेस कर देगा, वो अपने प्रोसेसिंग चार्ज ले लेगा, वो अपने प्रोसेसिंग चार्ज ले लेगा। हमारे पास कोई मटेरियल आया, हमने उसको मतलब मान लो उसका मोल्ड्स बनाना है, किसी चीज का मोल्ड्स बनाने हैं, तो मोल्ड्स के लिए दाना, प्लास्टिक दाना खरीद के हमने उसको दे दिया, तो उसने क्या किया, उस प्लास्टिक दाने के उसके बाद मोल्डिंग मशीन थी, उसने उस दाने को डाला, उससे मोल्ड्स बना दिए और मोल्ड्स हमें दे दिए। उसमें जो मटेरियल था, जो दाना था, वो हमारा ही था। ठीक है, जो उसने अपने उसने बनाने के उसने कन्वर्ट उस दाने को मोल्ड्स में कन्वर्ट करने के लिए जो उसके चार्ज थे उसने वो ले लिए हमसे, तो वो जॉब वर्क चार्जेस हमसे ले लेगा उसके रिगार्डिंग। तो इसके लिए क्या प्रोसेस रहता है? जो रजिस्टर्ड पर्सन है, जो टैक्सेबल पर्सन है, जिसको हम प्रिंसिपल कहेंगे, वो अपने गुड्स को, वो जो अपने टैक्सेबल गुड्स को जो है भेज देगा, वो यहाँ पे इसको भेज देगा और जॉब वर्कर को। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, दिस टू वूम सच, इसको किसके गुड्स होंगे? वो प्रिंसिपल पर्सन के ही गुड्स होंगे। गुड्स किसके होंगे? बायर के ही। मिस्टर ए ने अपने गुड्स दे दिए और बी जॉब वर्कर है, तो गुड्स किसके हुए? ए के ही गुड्स हैं। ए ने जो है बी को दिए जॉब वर्कर के लिए, जॉब वर्क इसमें इसको वो मोल्ड्स बना के जो है वापस कर देगा ए को, और अपना बिल भी भेज देगा और अब कहेगा मेरे जॉब वर्क चार्ज इतने। ठीक है ना, इजी सी प्रोसेस है। फॉर द पर्पस एनी ट्रीटमेंट और प्रोसेसिंग दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस को जो ये कन्वर्ट करके देगा, तो ये प्रोसेस जो कि इसने क्या प्रोसेस करा, इसने दाना को जो है प्रोसेस कर दिया मोल्ड्स में। इसने दाना, इसको दाना दिया था और इसने उसमें उसको मोल्ड्स में बना के दे दिया। इसको ए क्या देगा? इसको दाना देगा। इसको यहाँ पे टैक्सेबल गुड्स यहाँ लिख देते हैं दाना। इसने इसको दाना दिया और इसने इसको जो वापस करे, इसने इसको मोल्ड्स वापस करे। ठीक है, और इस प्रोसेस के लिए जो मशीन चला रहा है, तो उसके लिए वो अपना उसको जो है बिल रेस करेगा, तो उसने कहा कि इसके लिए इस प्रोसेस के मैं 10,000 रुपये चार्ज करूंगा, तो वो जॉब वर्कर रजिस्टर्ड होगा, तो वो 10,000 रुपये GST का इनवॉइस उसको दे देगा। इस तरीके से क्रेडिट का वो रहेगा। तो प्रोसेस मेन जो हम बात कर रहे हैं, जो ये काम करेगा उसको क्या जॉब वर्कर कहा जाएगा, और इस प्रोसेस को जो है जॉब वर्क कहा जाएगा। राइट, तो ये प्रोसेस की बात करिए, यहाँ पे जॉब वर्क क्या है, उस तरीके की प्रोसेस है। इसमें अब जो है सेक्शन 2 क्लॉज 70 में लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ सर्विस है। सर्विस लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सर्विस, जो सर्विस रिसीव कर रहा है, जो सर्विस रिसीव कर रहा है उसकी क्या प्लेस उसका माना जाएगा, वो बहुत जरूरी है। तीन चीजें होती हैं वैसे देखो, अभी तक हम जो बात करते हैं वो हम उसके लिए हम देखते हैं सप्लायर और रेसिपियंट, दो चीजें देखते हैं। राइट, तो हम दो को देखते हैं। अब हम आगे हम पढ़ेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई के प्रोविजंस भी पढ़ेंगे, तो हम वहाँ पे थर्ड हो जाएगा। प्लेस ऑफ सप्लाई का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसके अंदर, लेकिन अभी जब हम बात करेंगे, जब प्लेस ऑफ सप्लाई के प्रोविजन पढ़ेंगे वहाँ पे उसका जिक्र करेंगे, लेकिन यहाँ पे लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट की बात करता है। लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट की जो डेफिनेशन है सेक्शन 2 क्लॉज 70 में, वो कहता है सबसे पहले वेयर द सप्लाई इज रिसीव्ड एट अ प्लेस ऑफ बिजनेस। तो वहाँ पे अगर इसके प्लेस पे जो इसका रजिस्टर्ड प्लेस है, अगर वहाँ पे सप्लाई हो रही है, तो लोकेशन ऑफ सच प्लेस, इसको ना उससे समझते हैं, चार्ट फॉर्म में नीचे बनाया, तो यहाँ से समझते हैं। अगर व्हेन द सप्लाई इज रिसीव्ड एट द रजिस्टर्ड प्लेस, तो वहाँ पे प्लेस ऑफ बिजनेस जो है उसका माना जाएगा, उसका लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। अगर सप्लाई इज रिसीव एट द फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट अदर देन रजिस्टर्ड प्लेस, अगर कोई और फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट है अदर देन रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस, तो वो जो फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट का जो एड्रेस है वो उसका माना जाएगा कौन सा, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। जो मान लो रजिस्टर्ड प्लेस इसने इसने कहीं और का दिखा रखा है, रजिस्टर्ड प्लेस इसका कहीं और का है, मान लेते हैं इसका मायापुरी का इसका रजिस्टर्ड प्लेस है। ठीक है,
लेकिन इसने जो है सप्लाई रिसीव कहाँ करी, इसने सप्लाई रिसीव करी कीर्ति नगर में, तो इसके लिए कीर्ति नगर जो है इसका फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट मान लिया जाएगा अदर देन रजिस्टर्ड प्लेस। अब यहाँ पे आता है डायरेक्ट, यहाँ पे मैंने सप्लाई रिसीव्ड एट मोर देन वन एस्टेब्लिशमेंट प्लेस ऑफ बिजनेस और फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट, जब एक से ज्यादा होंगे तो डायरेक्टली जो कंसर्न रिलेट करेगी, जहाँ पे डायरेक्ट डिलीवरी होगी, जहाँ पे डायरेक्टली लिया जाएगा माल, वो जो जगह होगी उसको बोलेंगे लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, उसको माना जाएगा। इन द एब्सेंस, इनमें से कोई भी जगह नहीं है तो उस बंदे का रेजिडेंशियल एड्रेस, जो रेसिपिएंट होगा उसका जो रेजिडेंशियल एड्रेस होगा, रेजिडेंशियल एड्रेस जो होगा उसको मान लिया जाएगा उसका लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। तो यही बातें ऊपर यहाँ पे जो लिखी हुई है कि सबसे पहले हमने देखा लोकेशन ऑफ द जो उसका रजिस्टर्ड प्लेस है, अगर अदर देन रजिस्टर्ड प्लेस है तो वहाँ पे उसकी लोकेशन ऑफ फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट एडिशनल प्लेस जो होगा। इसके अलावा अगर मोर देन वन एस्टेब्लिशमेंट है, मान लो उसकी 3 फैक्ट्री डील फ्रॉम द वन हेड ऑफिस, तो उसका जो वन हेड ऑफिस जो है उसका मान लिया जाएगा लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, उसका मान लिया जाएगा। और अगर कोई भी ऐसी प्लेसेस नहीं है तो उसका जो रेजिडेंशियल एड्रेस है उसका रेसिपिएंट का, तो उसका जो घर का एड्रेस है उसको ही मान लेंगे लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। सेम इसी तरीके से लोकेशन ऑफ सप्लायर भी इसी तरीके से ट्रीटमेंट होता है, लोकेशन ऑफ सप्लायर भी रजिस्टर्ड होगा उसका भी प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा उसका, जहाँ पे वो रजिस्टर्ड होगा। अगर वो अदर देन प्लेस ऑफ सप्लाई से कर रहा है तो सच फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट हो सकता है ना, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस भी होते हैं, एडिशनल ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस की भी रजिस्ट्रेशन होती है ना, मेन आरसी में लिखा होता है कि ये मेन मेन प्लेस ऑफ बिजनेस है, ये एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है, तो वहां पे एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस भी जो है, जो वो एडिशनल प्लेस है उसको भी जो है लोकेशन ऑफ सप्लायर मान लिया जाएगा। अगर मोर देन वन एस्टेब्लिशमेंट में है, जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था फैक्ट्री का, तो ऐसे केसेस में हेड ऑफिस जो मेन उसका मोस्ट डायरेक्टली कंसर्न जो प्रीमिसेस होगी वो उस केसेस से सप्लाई मानी जाएगी, उसको कहेंगे लोकेशन ऑफ सप्लायर। हम अब सप्लायर की बात कर रहे हैं, ऊपर हमने रेसिपिएंट की बात करी थी, और 71 में जो हम बात कर रहे हैं वो हम रेसिपी सप्लायर की बात कर रहे हैं, इससे पहले जो हमने बात करी थी वो रेसिपिएंट की बात करी थी, राइट। तो इसमें अगर ये सारे में से ये इन सब में से कोई भी प्लेसेस नहीं है तो हमने लास्ट में क्या बना था हमारा रेजिडेंट्री, मतलब घर का रेजिडेंट का एड्रेस। तो यहाँ सप्लायर के केस में भी सेम रेसिपिएंट की तरह ही है, लास्ट में अगर ऊपर के अगर जो है हमें लोकेशंस नहीं मिलती तो लास्ट में हम उसका रेजिडेंट एड्रेस जो होता है उसी को मान लेते हैं लोकेशन ऑफ सप्लायर। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसिंग ये इतना इंपॉर्टेंट है, मिक्स सप्लाई हमने कर ही लिया, अब इसको फटाफट फटाफट देखते हैं क्या बच गया। मनी, मनी के लिए हमने देखा कि मनी जो है गुड्स की डेफिनेशन से बाहर कर दी थी। मनी क्या है, मनी इंक्लूड इंडियन लीगल मनी, जो हम नोट्स और कॉइन्स जो यूज करते हैं वो तो है ही है, इसके अलावा फॉरेन करेंसी, चेक, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, लेटर ऑफ क्रेडिट, ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, ट्रैवलर चेक, मनी ऑर्डर, पोस्टल, इलेक्ट्रॉनिक रेमिटेंसेस, NEFT वगैरह करते हैं, ये सारे जो रिकॉग्नाइज्ड हैं RBI से, ये सारे के सारे मनी माने जाते हैं। लेकिन क्या मनी नहीं माना जाता, बट शैल नॉट इंक्लूड एनी करेंसी दैट इज हेल्ड फॉर इट्स न्यूमेरिस्टिक वैल्यू। क्या मतलब हुआ, हम जैसे कई बार देखते हैं कि हमारे पास पुराने पुराने सिक्के मिलते हैं, हमारे पास हमें एक पैसे का सिक्का मिला, अब उसमें लिखा है 1 पैसा, अब 1 पैसे का उस सिक्के की क्या वैल्यू 1 पैसा ही है। तो ऐसे केसेस में जो हमारे पास पुराने पुराने ऐसे अजीब अजीब से जो सिक्के मिलते हैं हमें, पुराने पुराने राजाओं के टाइम के, उनकी जो वैल्यू है जो उसमें लिखी है वो नहीं होती उसकी वैल्यू जो है, इसलिए वहां पे मनी की डेफिनेशन से इसको एक्सक्लूड करा गया। इसलिए यहाँ पे इजी करने के लिए मैंने लिख दिया 1 पैसा कॉइन डज नॉट have the value of 1 paisa only, its value may be differ from person to person. एक value उस coin की value आप market में जाओ तो कोई उसको कितने का खरीदेगा, कोई उतना उसको कितने का खरीदेगा, तो इसलिए उसमें जो value लिखी है वो उसकी value नहीं है, इसलिए उसको बाहर कर दिया गया। अदरवाइज जो इंडियन लीगल टेंडर मनी होती है उसमें जो वैल्यू होती है, या फिर हम जो बाकी सारी जो NEFT ये सारी चीजें जो हमें नॉर्मल फॉर्म में पता ही है मनी की, तो वो सारी उन सबको मनी की डेफिनेशन में इंक्लूड कर दिया गया। सेक्शन 7 क्लॉज 77 NRTP की बात करता है, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। जैसे हमने कैजुअल टैक्सेबल पर्सन पढ़ा था, सेम उसी तरीके से नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन की भी सेम वही ट्रीटमेंट है, वो भी जहाँ पे वहां पे फर्क कुछ इस तरीके से आ जाता है कि ये पर्सन जो है
रेजिडेंट नहीं होता, ये बाहर से आया होता। वहां पे जो एक पर्सन, जहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया था कि एक पर्सन ने जो है एग्जीबिशन लगानी है प्रगति मैदान में, वहां पे एक हरियाणा का बंदा, एक कहीं कोई भी स्टेट का बंदा जो है दिल्ली में आके अपनी एग्जीबिशन लगा रहा है, वो कैजुअल टैक्सेबल आ गया। अगर वो NRTP कब हो जाएगा, वो इज ओकेशनली अंडरटेक ट्रांजेक्शन और बट वो डू नॉट हैव फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस ए रेजिडेंट इन इंडिया, जिसका इंडिया में ही फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है। वो बाहर से कोई फॉरनर आया, अगर अपना माल सेल करने के लिए, अपनी एग्जीबिशन लगाने के लिए कोई फॉरनर आया, तो वो एज अ NRTP वो रजिस्ट्रेशन लेगा, और कोई इंडियन ही है तो ऐसा वो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन में रजिस्टर हो सकता है। तो सेक्शन हो गया, दोनों में फर्क समझना जरूरी है। इनके जो प्रोविजंस हैं वो भी एक जैसे से ही है, कैजुअल टैक्सेबल और NRTP, जिसको हम नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, इसको NRTP कहा जाता है। इनके प्रोविजंस एक से होते हैं। जब हम प्रोविजंस देखेंगे वहां पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, अब छोटी छोटी चीजें बची हैं, इसको फटाफट क्लोज करते हैं। सेक्शन 2 क्लॉज 78, नॉन टैक्सेबल सप्लाई। नॉन टैक्सेबल सप्लाई हमने बात करी, 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे GST जो नहीं लगता, उसके अलावा 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट के अलावा Schedule 3 जब हम पढ़ेंगे, तो वहां पे Schedule 3, जब हम Section 7 पढ़ेंगे सप्लाई का, वहां पे Schedule 1, Schedule 2, Schedule 3, तीन शेड्यूल देखेंगे। Schedule 3 बात करता है कि जो कि गुड्स भी नहीं है, जो कि सप्लाई सर्विसेज भी नहीं है, जो गुड्स भी नहीं है सर्विसेज भी नहीं है, तो उस पर GST नहीं लगना, तो वो भी जो है नॉन टैक्सेबल सप्लाई में आ जाएगा। 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट देख लिया हमने, और उसके अलावा एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन देख लिया। तो हमारे पास इस पर तीन वे बनते हैं, 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट, 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट के अलावा एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन और Schedule 3 की आइटम्स, ये तीन हमारे कहाँ आ जाएंगी, नॉन टैक्सेबल सप्लाई में आ जाएंगी। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट, इसके अलावा हमारा प्लस Schedule 3, प्लस Schedule 3 के अलावा और क्या था, और एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ठीक है, ये हमारा बन गया नॉन टैक्सेबल सप्लाई। आगे बढ़ते हैं, आउटवर्ड सप्लाई क्या है। आउटवर्ड सप्लाई तो हम इजिली वैसे भी कोरिलेट कर सकते हैं, सप्लाई चाहे वो सेल के थ्रू हो, ट्रांसफर, बार्टर, ये जब हम सप्लाई Section 7 पढ़ेंगे तो वहां पे भी इसकी चर्चा होगी। सेम यही टर्म वहां पे भी लिखी गई है कि चाहे वो सेल हो, ट्रांसफर हो, बार्टर, मतलब बार्टर एक तरीके से वही एक्सचेंज का ही फॉर्म होता है, एक्सचेंज कहें इसको, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोज, ये सारी फॉर्म की जो सप्लाई है इसको हम जो है आउटवर्ड सप्लाई, जब हम इसको जो है, जब टैक्सेबल पर्सन इसको सप्लाई करेगा तो इसको हम आउटवर्ड सप्लाई कहेंगे, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होनी चाहिए। ठीक है, इसको हम सप्लाई में दोबारा कवर करेंगे, आउटवर्ड सप्लाई को। पर्सन, अब पर्सन जो है, पर्सन की क्या डेफिनेशन है GST के अंदर, इनकम टैक्स के अंदर भी अलग डेफिनेशन है पर्सन की, ऐसे ही GST के अंदर जो पर्सन है ये भी इंक्लूसिव डेफिनेशन है। इंक्लूसिव और एग्जॉस्टिव क्या होती है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब इसमें कौन कौन इंक्लूड होता है, इंडिविजुअल, HUF, कंपनी, फॉर्म, LLP, ठीक है, LLP, AOP, BOI, ठीक है, कॉरपोरेशन, मतलब कॉरपोरेशन चाहे वो गवर्नमेंट की हो, जैसे LIC, LIC का अलग से एक्ट है, LIC एक्ट 1956 के तहत जो है LIC बनी हुई है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, तो ये जो है कॉर्पोरेशन इस तरीके की, MCD, और चाहे प्रोविकनियल एक्ट कहें, जो कि ऐसे एक्ट जो कि ब्रिटिशर्स के गवर्नमेंट के टाइम से चलते हुए आ रहे हैं, जैसे कि अभी हमने स्टार्टिंग में जब हमने डेफिनेशन एक्शनेबल क्लेम की देखी थी, ट्रांसफरेबल ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 लिखा हुआ है, वो 1882 का एक्ट है, इतना पुराना एक्ट है। तो इस तरीके के जो पुराने एक्ट हैं वहां पे वो सब को भी, उन सब की जो जो है लीगल वैलिडिटी, उसके अलावा गवर्नमेंट कंपनी, ये सारे के सारे, अगर हम कहें फॉरेन कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, लोकल अथॉरिटी, इवन गवर्नमेंट, ये सारे के सारे पर्सन की डेफिनेशन में आ जाते हैं। अगर इन सब को जो है GST के अंदर रजिस्टर्ड होने की जरूरत होगी तो ये जो है पर्सन है, इनको अगर ये टैक्सेबल पर्सन बन जाएंगे, मतलब ये टैक्सेबल, इनको रजिस्टर, तो इनको रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी हो जाएगा, और जब ये रजिस्ट्रेशन ले लेंगे तो ये रजिस्टर्ड पर्सन हो जाएंगे। ठीक है, पर्सन, टैक्सेबल पर्सन, रजिस्टर्ड पर्सन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रिंसिपल सप्लाई। प्रिंसिपल सप्लाई हमने कहाँ बात करी, इसकी कंपोजिट सप्लाई की बात अंदर बात करी थी, कि प्रिंसिपल सप्लाई कौन सा होता है, मेन सप्लाई जो होगा। यहाँ पे हमने टीवी का एग्जांपल लिया, टीवी और रिमोट, तो वहां पे प्रिंसिपल सप्लाई कौन सी हो गया, टीवी, वहां पे प्रिंसिपल सप्लाई हो गया। तो यहाँ पे भी वही है, उसकी डेफिनेशन है, मेन सप्लाई विच कॉन्स्टिट्यूट अ प्रोडोमिनेंट एलिमेंट, जो मेन एलिमेंट होगा, प्रोडोमिनेंट एलिमेंट जो होगा, मेन एलिमेंट, जो मेन एलिमेंट हमारे में कौन क्या था उस एग्जाम्पल में, टीवी था, तो वहां पे जो
मेन एलिमेंट जो होगा उसको प्रिंसिपल सप्लाई कहेंगे। प्रॉपर ऑफिसर पूरे जीएसटी के अंदर जहाँ पे वर्ड जहाँ पे डिपार्टमेंट में कोई कार्रवाई करेगा उसमें कार्रवाई कौन करेगा, वहां पे लिखा होगा प्रॉपर ऑफिसर। प्रॉपर ऑफिसर उस ऑफिसर को कहेंगे रिलेशन टू एनी फंक्शन टू परफॉर्म अंडर दिस एक्ट मीन्स कमिश्नर और ऑफिसर ऑफ द सेंट्रल वो असाइन दैट फंक्शन। जिसको भी असाइन किया जाएगा चाहे वो कमिश्नर हो चाहे कोई और ऑफिसर हो, तो वो जिसके जो हमें नोटिसेस या फिर जो हमसे डील करेगा जिससे हम डील करेंगे वो उसको क्या कहा जाएगा, प्रॉपर ऑफिसर उसको कहा जाएगा। उसको एक टर्म दे दी चाहे उसकी रैंकिंग हो एसी हो वो डीसी हो जेसी हो जॉइंट कमिश्नर एडिशनल कमिश्नर असिस्टेंट कमिश्नर जो भी होगा वो जो है एज अ टर्म हमारे लिए यूज होगी वो हमारे लिए वो प्रॉपर ऑफिसर होगा। रेसिपिएंट क्या होगा, रेसिपिएंट जहाँ पे कंसिडरेशन पेबल है वहां पे रेसिपिएंट किसको कहेंगे जो कि पे कर रहा है। अगर कंसिडरेशन है तो जहाँ पे जो ट्रांजेक्शन में कंसिडरेशन है वहां पे जो पर्सन पे कर रहा है उसको हम रेसिपिएंट कहेंगे। जहाँ पे ट्रांजेक्शन में कंसिडरेशन नहीं है वहां पे ये नो कंसिडरेशन वाले दो केस हैं। जहाँ पे कंसिडरेशन नहीं है वहां पे देखेंगे हम गुड्स का केस है या सर्विसेज का केस है। अगर गुड्स का यहाँ पहले वाले में था जहाँ पे कंसिडरेशन पे हो जहाँ पे कंसिडरेशन थी वहां पे सीधा सीधा था। अब यहाँ पे दो दो केस है वहां पे कंसिडरेशन नहीं है। वहां पे अगर गुड्स के केस में कंसिडरेशन नहीं है तो जहाँ पे जिसको गुड्स दे रहे हैं वो जो है रेसिपिएंट हो जाएगा। और अगर सर्विसेज का केस है लेकिन कंसिडरेशन नहीं है तो उस केस में जिसको सर्विसेज दे रहे हैं वो जो है रेसिपिएंट हो जाएगा। राइट अगली डेफिनेशन, इसमें रेसिपिएंट में इंक्लूड एजेंट को भी इंक्लूड कर देंगे। अगर जो है एजेंट अगर रिसीव कर रहा है तो ऐसे केसेस में एजेंट जो थर्ड पार्टी होगी वो भी रेसिपिएंट हो जाएगी। अगला सेक्शन 2 क्लॉज 94 में रजिस्टर पर्सन किसको कहेंगे, वो इज रजिस्टर अंडर सेक्शन 25। सेक्शन 25 में हम अलग अलग कैटेगरीज देखेंगे, वहां पे हम देखेंगे जो पर्सन रजिस्टर हो जाएगा अंडर जीएसटी वो जो है हमारा रजिस्टर पर्सन हो जाता है। लेकिन इसमें कौन से रजिस्ट्रेशन रजिस्टर पर्सन की कैटेगरी में कौन नहीं आता, जिसके बाद यूआईएन नंबर होता है। कुछ हम कैटेगरी देखेंगे जैसे कि यूएनओ वगैरह की कैटेगरी होगी, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इन केसेस के इन लोगों के केसेस में भी इनको जो है रजिस्ट्रेशन लेनी होती है। लेकिन ये जो रजिस्ट्रेशन लेते हैं इनको जीएसटीएन नहीं मिलता, इनको यूआईएन मिलता है, इनको यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलता है। क्योंकि इनका पर्पस बहुत छोटा सा होता है, इनको रिफंड क्लेम करना होता है, इनका इतना सा ही पर्पस होता है। जो इनके बिल्स में जो इनके खर्चों में बिल जीएसटी लगा होता है इनको रिफंड क्लेम करना होता है, जस्ट इनका इतना सा काम होता है। इसलिए इनको जीएसटीएन इशू नहीं होता, इनको यूआईएन यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर इशू होता है। ये किस किस को होता है ये सेक्शन 25 जब हम करेंगे वहां पे निकल के आएगा। अब बात आती है अगली सेक्शन, अब फटाफट सम अप कर रहा हूँ ठीक है। रिमूवल, रिमूवल की क्या डेफिनेशन है, जब हम सेक्शन 31 पढ़ेंगे जो हम सेक्शन 31 टैक्स इनवॉइस का है वहां पे जो है वर्ड यूज करा गया है रिमूवल। रिमूवल के टाइम पे जो है हमें इनवॉइस इशू करना है, टैक्स इनवॉइस बनाना है, तो रिमूवल कब कहेंगे, रिमूवल मींस यहाँ पे मींस डेफिनेशन है तो मतलब इंक्लूसिव डेफिनेशन है, इतना ही पार्ट है, एग्जॉस्टिव डेफिनेशन नहीं है। तो इंक्लूसिव में कहता है रिमूवल मींस डिस्पैच ऑफ गुड्स फॉर डिलीवरी। अगर डिस्पैच कर रहे हैं, अगर हम माल को डिस्पैच कर रहे हैं सप्लायर तक पहुँचाने और रेसिपिएंट तक पहुँचाने के लिए, तो डिस्पैच रिमूवल कब कहेंगे, जब डिस्पैच हो जाएगा। मान लो हमने ट्रांसपोर्ट में डाला और उसके लिए बिल्टी हटा दी, तो ऐसे में जब तक वो ट्रांसपोर्ट में माल छोड़ा तो वहां पे हम उसको कहेंगे हमारा रिमूवल हो गया, वहां तक में हमारा टैक्स इनवॉइस हमारा इशू हो जाना चाहिए रिमूवल पे। क्योंकि सेक्शन 31 के प्रोविजन टैक्स इनवॉइस के यही कहते हैं कि रिमूवल पे जो है हमें रिमूवल से पहले पहले ऑन और बिफोर जो है हमारा टैक्स इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। इसके बाद पार्ट भी कहता है कलेक्शन ऑफ गुड्स बाय द रेसिपिएंट। अगर रेसिपिएंट ही आ गया हमारे पास, किसी मोबाइल शॉप है और सामने से बंदा आया मोबाइल लेने के लिए, तो हमने उसको मोबाइल दिया, तो हमने जब उसको मोबाइल दिया उसको दुकान पे ही डिलीवरी दी, तो तभी ही उसका रिमूवल ऑफ गुड्स हो गया, तभी हमने उसको उसको उस टाइम पे जो है टैक्स इनवॉइस भी काटना है। टैक्स इनवॉइस के प्रोविजन जब हम सेक्शन 31 पढ़ेंगे वहां पे इसका यूज आएगा। कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके एग्जाम्पल के लिख दिया है काउंटर सेल एट शॉप, काउंटर सेल हुआ, अगर हमने माल भेजा था वो पार्ट ए में आ जाएगा, ट्रांसपोर्ट के थ्रू हमने भेजा, तो जहां पे हमारी डिलीवरी खत्म हुई, हमने ट्रांसपोर्ट में माल डाला, तो वहां पे हमारा जो है रिमूवल हो गया। सेक्शन 98, ये हमने ऑलरेडी ऊपर वैसे डिस्कस कर लिया मैंने पहले ही, दोबारा रिवर्स चार्ज क्या होता है मैंने डिस्कस कर दिया कि रेसिपिएंट ने 100+18 रुपए हम सप्लायर को दें, इसकी जगह अगर आरसीएम में आएगा तो एज अ रेसिपिएंट
₹100 ही सप्लायर को दूंगा, ₹18 मैं गवर्नमेंट को दूंगा, तो वहां पे एज अ आरसीएम में मेरे ऊपर लाइबिलिटी आ जाएगी। यहाँ पे ये लिखा है इसकी डेफिनेशन में, लाइबिलिटी टू पे टैक्स बाय द रेसिपियंट इंस्टेड ऑफ, किसकी जगह सप्लायर को। नॉर्मल प्रोविजन में क्या रहता है, सप्लायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि उसके ऊपर टैक्स लगा के गवर्नमेंट को दे, लेकिन आरसीएम के केसेस में वो जो जो लाइबिलिटी होती है वो रेसिपियंट के ऊपर, जो जिम्मेदारी होती है वो रेसिपियंट के ऊपर शिफ्ट हो जाती है। वहां पे रेसिपियंट को जो है रजिस्ट्रेशन लेके जो है उसके ऊपर जो है उसने जो उसकी इनवर्ड सप्लाई होती है उसके लिए वो ₹100 ही देगा और ₹18 के लिए वो जीएसटी देकर उसका क्रेडिट लेगा। यहाँ पे एग्जांपल में समझा भी दिया, नॉर्मल केस में क्या रहता है, सप्लायर जो मिस्टर एक्स है वहाँ पे उसने क्या किया, गवर्नमेंट को जो है इसने जो है क्या किया, ये रेसिपियंट है मिस्टर वाई, इसने ₹118, यहाँ पे एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, गुड्स इसने दिया, मान लो पेन दिया, तो पेन के लिए 100 + ₹18 इसको जो है बिल देगा, ये इसको इतने का बिल देगा, इनवॉइस देगा बिल, और ये इसको क्या करेगा, ये इसको ₹118 पे कर देगा, ₹118 पे कर देगा नॉर्मल प्रोविजन में। अब बात आते हैं रिवर्स चार्ज में, रिवर्स चार्ज में कैसे रहेगा, ये सप्लायर है, ये इसने इसको पेन बेचा ₹100 का, तो ये इनवॉइस इसको ₹100 का ही देगा, तो इसमें क्या करेगा, ये ₹100 के ऊपर ₹18 इसको गवर्नमेंट को देगा, वाई पे करेगा गवर्नमेंट को, और ये इसका क्रेडिट भी ले लेगा इसको आईटीसी, क्योंकि यहाँ पे भी इसको ₹18 जो इसने इसको सप्लायर को पे करे हैं, इसके बाद 118 का इनवॉइस आएगा तो इसका आईटीसी इसको मिल जाएगा ना, इसका आईटीसी नॉर्मल प्रोविजन में भी इसका मिल जाएगा, तो इसमें भी इसको आईटीसी इसका मिल जाएगा, दोनों केसेस में आईटीसी मिल जाता है। बस फर्क ये होता है कि लाइबिलिटी जो है वो शिफ्ट हो जाती है रेसिपिएंट की सप्लायर की जगह जो है रेसिपिएंट पे लाइबिलिटी शिफ्ट हो जाती है। शेड्यूल क्या है सेक्शन, बस अब थोड़े से ही सेक्शन रह गए, बस फटाफट कर रहा हूँ समझ। ये सेक्शन 2 clause 100 बताता है शेड्यूल, शेड्यूल अपेंडेड टू द एक्ट, तीन शेड्यूल है, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3 हम डिस्कस करेंगे चैप्टर कौन से में, सप्लाई वाले चैप्टर। सर्विसेज, अभी हमने गुड्स के ऊपर डेफिनेशन पढ़ी, अब हम सर्विसेज की डेफिनेशन पढ़ते हैं। सर्विसेज की डेफिनेशन हमने कल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी पढ़ी थी, जहाँ पे सर्विसेज सेक्शन सॉरी आर्टिकल 366(26)(b) के अंदर जो है सर्विसेज लिखा था, सर्विसेज मीन्स एनीथिंग अदर देन गुड्स लिखा था वहां पे, वो था जो थी वो कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन थी। यहाँ जो हम डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, यहाँ हम जीएसटी की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे गुड्स भी बता दिया था, अब यहाँ पे सर्विसेज भी बता रहे हैं। सर्विसेज क्या है, सर्विसेज में कहता है एनीथिंग अदर देन गुड्स, वहां पे भी यही बात करी थी, वहां पे भी यही कहा था एनीथिंग अदर देन गुड्स, यहाँ पे भी कहता है एनीथिंग अदर देन गुड्स। और गुड्स के डेफिनेशन में क्या एक्सक्लूड किया था, मनी एंड सिक्योरिटी, यहाँ से भी क्या एक्सक्लूड कर दिया, मनी एंड सिक्योरिटी यहाँ से भी एक्सक्लूड कर दिया। इसका मतलब मनी और सिक्योरिटी, मतलब सिक्योरिटी में हम शेयर्स वगैरह का एग्जांपल ले सकते हैं, तो इन केसेस में ना वो गुड्स हैं ना वो सर्विसेज हैं, तो वो मनी या हम सिक्योरिटी दोनों के केसेस में जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है, क्लियर हो जाना चाहिए। लेकिन इसमें इंक्लूड क्या है, सर्विसेज की बात कर रहे हैं, इसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज को इंक्लूड होगी, मनी तो इंक्लूड नहीं है, लेकिन मनी एक्सचेंजर, कोई बंदा गया मनी, उसको बाहर जाना था, वो गया मनी एक्सचेंजर के पास, उसने कहा कि भैया मुझे $1,000 चाहिए, उसने उसको ₹70 का रेट चल रहा था, उसने उसको ₹70,000 दिए, उसने उसको $1,000 दे दिए। ठीक है, अब वो कहेगा भैया ठीक है ये तो था, ये तो मैंने दे दिया, अब इसके चार्ज भी तो लूंगा, अब वो मनी एक्सचेंजर उसके चार्ज भी लेगा। ठीक है, वो कहेगा भैया इसके ₹5 per dollar के हिसाब से चार्ज है, तो वो 1000 × 5, ₹5,000 उसने चार्ज करे, तो वो ₹5,000 जो देगा, वो ₹5,000 जो देगा वो जो है सर्विसेज का पार्ट होगा, वो जो उसने अपनी सर्विस दी है ₹5,000 की, वहां पे वो जो है इंक्लूड करा जाएगा, यही यहाँ पे लिखा गया है। बट इंक्लूड एक्टिविटी रिलेटिंग टू यूज ऑफ मनी कन्वर्जन इन बाय कैश बाय एनी अदर मोड फ्रॉम वन फॉर्म करेंसी और डिनोमिनेशन टू अनदर फॉर्म, चाहे वो डॉलर से मनी में हो रही है, मनी इंडियन मनी में हो रही है, वो किसी भी फॉर्म में हो रही है, मतलब एक मनी से दूसरे करेंसी में, एक करेंसी से दूसरे करेंसी में, करेंसी और डिनोमिनेशन फॉर विच सेपरेट कंसिडरेशन इज चार्ज, जो सेपरेट कंसिडरेशन जो है $1,000 एट द रेट ₹5 जो है चार्ज करी, वो जो है इंक्लूड पार्ट में आ जाएगी, और इंक्लूड पार्ट में आ जाएगी तो इस ₹5,000 के ऊपर जीएसटी लग जाएगा, और जो ₹70,000 उसने दे के $1,000 लिए हैं वो जो है मनी में आ जाएगी, वो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, वो जो है रेड वाले पार्ट में आ जाएगा ₹70,000, और ₹5,000 जो उसने अपने चार्ज लिए हैं कन्वर्ट करने के, वो जो है उसकी कमीशन कह सकते हैं हम उसको, जो कमीशन उसने ₹5,000 चार्ज करी है वो जो है उसकी जो है सर्विस चार्ज है, उसके ऊपर जीएसटी लगेगा।
ठीक है। इसी तरीके से जो हम हमने अभी मनी की बात करी, इसी तरीके से शेयर्स की बात करें तो शेयर्स के केस में भी जो वो अपनी जो हम शेयर्स खरीदते हैं और बेचते हैं, तो ऐसे केसेस में जो शेयर ब्रोकर्स होते हैं वो ब्रोकरेज लेते हैं हमसे, तो वो जो ब्रोकरेज लेते हैं उसके ऊपर भी जीएसटी लगेगा। बेसिकली उसने शेयर्स किसी कंपनी के शेयर्स जो है लेके हमें दे दिए, ठीक है, उसने वो क्या करेगा, वो तो इंटरमीडिएटरी है, ठीक है, तो वो अपने चार्जेस लेगा, वो अपनी ब्रोकरेज लेगा। तो ऐसे केसेस में जो हमारे पास शेयर्स आ गए वो उस पर जीएसटी नहीं होगा, लेकिन उसकी जो ब्रोकरेज है तो वहां पे वो इंक्लूड हो जाएगा। तो यहाँ पे इसमें एक्सप्लेनेशन में डाल दिया, ये सारा बेयर एक्ट का ही है, एक्सप्लेनेशन भी बेयर एक्ट की है। फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट सर्विसेज इंक्लूड्स फैसिलिटेशन और अरेंजिंग ट्रांजेक्शन इन सिक्योरिटी ब्रोकरेज चार्ज बाय द स्टॉक ब्रोकर। जो येलो में मार्क है वो जस्ट मैंने अपनी वर्डिंग में लिखा है, बाकी जो एज इट इज जो है वही की वर्डिंग है, जो बेयर एक्ट जो मैंने आप जो स्टार्टिंग में दिखाया वही एक्ट है, उसी की सारी बातें चलती हैं। 107 नंबर, बस कुछ ही डेफिनेशन रह गई है बस। टैक्सेबल पर्सन मींस रजिस्टर और लाइबल टू बी रजिस्टर, रजिस्टर लाइबल टू बी रजिस्टर, इसके लिए हम सेक्शन 22 और सेक्शन 24 बताएगा कहाँ कौन कौन से के लिए मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन है, और सेक्शन 22 बताएगा कि क्या थ्रेशोल्ड है और क्या थ्रेशोल्ड क्रॉस होने के बाद जो है रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी हो जाती है, वो सेक्शन बताएगा सेक्शन 22 और सेक्शन 24। जब हम रजिस्ट्रेशन चैप्टर पढ़ेंगे वहां पे हमें ये सब मिलेगा। अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 2 क्लॉज 108 जो कि टैक्सेबल सप्लाई की बात करता है। टैक्सेबल सप्लाई मीन्स सप्लाई लेवियबल टू टैक्स, ऐसी सप्लाई जिसके ऊपर टैक्स लगना बनता है, तो वो